नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स के इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी DI 365 नाम से एक सीरीज चल रही है जिसमें हम DI करते हैं। वैसे तो मेंस लेवल के DI किए जाते हैं, मगर एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आफ्टर लॉकडाउन SBI PO का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो SBI PO के प्री के भी आप DI करवा दें। तो मैंने कहा ठीक है, और इसी के चलते क्या सोचा है कि SBI PO के लिए आप लोगों को 25 सेशन में प्रोवाइड कर दूंगा। फ्री 25 सेशन होंगे, कोई उसके लिए पे नहीं है, फ्री 25 सेशन होंगे। आज पहला सेशन है उसका। एक सेशन में क्या होगा, 2 DI कराए जाएंगे, ठीक है। आप चैनल पे ऑलरेडी देख चुके होंगे 3 सेशन अपलोडेड हैं अभी, मतलब 3 सेशन आपको शो हो रहे होंगे, जो कि अल्टरनेट डे पे एक सेशन हुआ करेगा। तो इस तरह से 25 सेशन है टोटल, 3 सेशन आप लोगों को वीडियोज में नजर आ रहे होंगे। आज पहला सेशन हो जाएगा और इस तरह से 25 सेशन टोटल होंगे। अगर SBI PO बहुत जल्दी आ गया तो फिर कंटिन्यूअस डे पे करा देंगे, मगर 25 सेशन SBI PO से पहले करवाने हैं तो करवाने हैं प्री के, ठीक है। उसमें कुल मिला के 50 DI इस तरह से आपकी हो जाएंगी। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा फास्ट चलूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा बिल्डिंग इस तरह के DIs में नहीं होगी। प्री में कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड DI नहीं आएंगे, ज़्यादा सिंपल आपका नॉर्मल सा कोई पाई चार्ट होगा, कोई केसलेट होगी, और उसमें कैलकुलेशन बेस होते हैं, तो हम फटाफट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला DI हमारा। और ये DI आप वैसे तो थंबनेल में देख चुके होंगे, SBI PO प्री के 2019 का जो पेपर हुआ था, दोनों DI उसमें आए हैं। आज जो दोनों DI में करा रहा हूँ, ये दोनों DI उसमें आए हुए DI है। तो लेट्स सी क्या आया था, देखते हैं। गिवन बिलो इज द पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट दिया हुआ, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत होती नहीं आपको। पर्सन विजिटिंग, ठीक है, एक नेशनल पार्क को विजिट किया है, वो पाई चार्ट में दिया हुए हैं लोगों के बारे में। तो तुरंत देखते हैं क्या करो, 400 दिया हुआ है। प्री के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखो पूरा डेटा यूज होता है, लिख के बैठ जाओ डेटा। 400 का 25% 100, 400 का 30% 120, 400 का 45% आपका कितना हो जाता है 180। ये लिख के बैठ जाओ और फिर आगे क्वेश्चन शुरू करो, लाइन पढ़ते इतना लिख देना। अपना टारगेट रहेगा पेपर में 9 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 4 DI अगर आते हैं तो। 9 से ज्यादा मैक्सिमम 10 मिनट ले लो, 10 मिनट लोगे तो आप 30 से 32 स्कोर करने के काबिल रह जाओगे। अगर 9 मिनट रहोगे तो 35 टारगेट कर सकते हो, अगर 10 मिनट ले जाओगे तो 32 तक स्कोर आपका रुकेगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से और एक टिपिकल टाइम एनालिसिस से। तो 4 DI का टारगेट आपको 9 मिनट बनाना है। हालांकि हमको 2 DI में टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे साथ साथ बोलना भी होगा, एक्सप्लेन भी करना होगा, बट आपकी प्रैक्टिस, आइडियल प्रैक्टिस ये होनी चाहिए जो कि आप साथ में बनाएंगे, तो आपको टाइम का इतना ध्यान रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है। और साथ में मेल फीमेल का रेशियो भी आपको दिया हुआ है विजिटिंग दीज पार्क, तो मेल फीमेल दिया, फटाफट लिख लो। साथ ही साथ मेल को हमेशा प्लस से लिखो, फीमेल को लिखो क्रॉस से, आपको बताया हुआ है मैंने, भाई पता लग गया पूरी थीम क्या है। 400 लोग हैं ये बटे हुए, फ्राइडे को कौन आया, सैटरडे को कौन आया, संडे को कौन हुआ है, थीम आपको पूरी बता दी है। मैं पहली बार कर रहा हूँ इस DI को, ठीक है, इतनी स्पीड से करना है आपको। वहां पे 400 लोग दिए, मैं तीनों बांट लिया फटाफट, फ्राइडे सैटरडे संडे, ओके। मेल फीमेल देख रहे हो आप, फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ पे देख रहे हो, फटाफट लिख लो। फ्राइडे को क्या थे, 100 लोग थे, मेल फीमेल 2 और 3 में बांटो कितना हो जाएगा, 100 लोगों का 40-60 हो जाएगा। सैटरडे को क्या था, 120 था, 120 का 12 मतलब 10 का फैक्टर मतलब 50 और 70 बांट लो। इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, मेरे पास अगली स्क्रीन पे नोटेड नहीं होगा ये, ठीक है। और संडे को इसी तरह से कितने हैं, 180 लोग हैं, 5 और 4 9, 20 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 180। खत्म बात, सारा डेटा आप लोगों के पास आ गया है। अब इस डेटा पे 5 क्वेश्चन होंगे, इस काम में मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगेगा, इससे ऊपर नहीं लग सकता भाई। आपको 2 मिनट में तो DI बनाना ही है, 2 मिनट ज्यादा ज्यादा आप और 15 सेकंड और ले लो, ठीक है। तो ये जो 15 सेकंड जो हैं आपके, ये 15 सेकंड में सारा डेटा आपका बना लोगे आप, और 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर रहे होगे आप, 25-25, 24-24 सेकंड अपन एक क्वेश्चन में मानेंगे तो, ठीक है। ये हमारी टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ शुरू, मतलब DI में जो 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन होंगे जो 8-8, 10-10, 12-12 सेकंड में होंगे, और 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 35-40 सेकंड लगाएंगे। इस तरह से आपका 2.25 मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बोलेंगे तो SBI PO प्री के लिए मैं डेटा, मतलब किससे DI करने हैं, किस तरह से करना है, क्या टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसका मैं एक आपको स्ट्रेटेजी का वीडियो बना के दे सकता हूं, बट हाँ अभी के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेटा मेरा आप ये नोट कर लीजिए पूरा पूरा, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में मैं डेटा नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए क्या बोलता है, इफ ऑन मंडे नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड नेशनल पार्क का इंक्रीज बाय 20% ओवर मेल्स विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन सैटरडे। सैटरडे के जो मेल हैं, सैटरडे के मेल मतलब ये मंडे को इससे 20% ज्यादा, 50 का 20% होता है 10, मतलब मंडे को हो गए 60 मेल। चलो हटा भाई, आगे क्या बोलता है, फीमेल्स विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन मंडे 33 1/3% मोर देन फीमेल्स विजिटिंग ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को फीमेल कितनी है, 60, 60 का ये बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 20, 80 हो जाएगी फीमेल इसकी। पूछा क्या है,
टोटल पर्सन ऑन मंडे 60 और 80, 140 खत्म क्वेश्चन। लेस अगर मैं आपको समझा नहीं रहा होता पेपर में 8 सेकंड के आसपास इस क्वेश्चन में मेरे को लगता, क्योंकि मैं लिखता भी नहीं, सीधा दिमाग में आ जाता 60। ये आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। 8 सेकंड 7 सेकंड का क्वेश्चन था, इससे ज्यादा क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। पता होना चाहिए 20% बढ़ाया, अच्छा ठीक है ओरली 20% बढ़ाओ, 1/3 1/3 बढ़ा दिया, सीधा आंसर आपने लिखा 140 आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे भाई मेल आपने देखे, अब आपको कितना टाइम लगा मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में, अभी 7-8 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन थोड़ी 5 लाइन का पढ़ने बैठ जाओगे भाइयों बहनों मेरे। आप देखोगे 20% बढ़ाया है, मंडे की बात की है, मंडे इसमें था नहीं, मतलब कोई नई चीज बता रहा है, 20% सैटरडे से बताया, मेल का बताया, सैटरडे के मेल नोट किए 50 थे, 50 का 20% बढ़ाया हो गया कितना 60, 1/3 बढ़ाया किसमें, फ्राइडे की फीमेल में, फ्राइडे की फीमेल देखी 60, 1/3 होता है 20, बढ़ाया 80 80 और 60 140, टिक मारा सीधा वहां पे जाके गोला भरा और टिक मारा ऐसे उसको बना दिया, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अब डेटा आई होप आपने नोट कर लिया हो, मैं दे रहा हूं आपको 10-20 सेकंड, नोट कर लो प्लीज, ये ऊपर के तीनों डेटा और ये नीचे के तीनों डेटा, ये नोट कर लो, ठीक है, ये 180 100 और 120 और ये 40 60 50 70 100 80, इतना नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं, फिर आप फटाफट 10-10 सेकंड में आंसर निकालो हर क्वेश्चन का, ठीक है। मैं एक जगह कॉपी में लिख ले रहा हूं इसको, नोट कर लो प्लीज 10-15 सेकंड में नोट कर लो फटाफट पेपर में। इसी तरह से आपको डेटा फटाक से पूरा लिख लेना है एक जगह, नोट कर लो फटाफट। नौ मिनट का हमारा टारगेट रहेगा, ध्यान रखना डीआई चार लो, 4 डीआई का वीडियो में नहीं करा पाऊंगा 4 डीआई 9 मिनट में, क्योंकि एक्सप्लेन करने वाला पार्ट भी रहता है, थीम भी समझानी होती है, बाकी करना आपको इतने में ही है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था इस पे। हाँ जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल्स विजिटिंग पार्क ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को मेल कितने विजिट किए हैं भाई, 40 थे क्या, फीमेल विजिटिंग पार्क ऑन सैटरडे, सैटरडे को फीमेल ने कितना 70 विजिट किया, 40/70 4/7, डेटा देख भी लिया आंसर भी आ गया, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 4/7 मेरे को पता लग गया आंसर हो गया, ठीक है। अब आप देख लो आपका आंसर इतनी देर में ही आना चाहिए, 40 और 70, अब ये कोई लिखने थोड़ी बैठोगे याद रह जाएगा यार, क्या दो ही तो डेटा है, ज्यादा क्वेश्चन दिमाग में करो, पेन जितना कम लगाओगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा, जब कोई लगता है कैलकुलेशन अच्छी खासी है तब पेन लगाओ। अब इस क्वेश्चन में 5 सेकंड ज्यादा कैसे लग सकता है मुझे कोई बताओ, ठीक है, डेटा सामने रहेगा आपके लिखा हुआ, तुरंत 40 और 70 ढूंढा, टिक मारा आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ टिकट पर मेल एंड पर फीमेल ऑन एनी डेज 45 एंड 40, मतलब मेल की टिकट की कॉस्टिंग कितनी है 45 रुपीज, फीमेल की टिकट की कॉस्टिंग कितनी है 40 रुपीज। अब इसको ये क्वेश्चन आ गया जो आपका 30 सेकंड तक लेगा, क्यों मल्टीप्लाई वगैरह, मैं पहली बार देख रहा हूँ उस क्वेश्चन को, मगर आइडिया लग गया मल्टीप्लाई होने वाला है। टोटल अमाउंट ऑब्टेन बाय नेशनल पार्क ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को क्या था डेटा, फ्राइडे का आपका 40 और 60 था ना, 40 और 60 डेटा था, इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल अमाउंट ऑब्टेन बाय नेशनल पार्क ऑन संडे, संडे का डेटा मेरा क्या था 100 और 80 डेटा था, ठीक है संडे का डेटा था, लिख लेता हूँ, मेरे को लिखना पड़ रहा है दोबारा, आप डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू हो जाओ, ठीक है। तो फ्राइडे को संडे से कितना ज्यादा है, फ्राइडे को मेल कितना है 40 45 से इंटू होगा कितना हो जाएगा 1800, इसी तरह से फ्राइडे को फीमेल 60 है इंटू 40 होगा कितना हो जाएगा 2400, कितना आ गया 4200, इसी तरह से संडे को 100 × 45 कितना हो जाएगा 4500, 80 × 40 कितना हो जाएगा 3200, कितना आ जाएगा आपका 7700, ये इससे कितना ज्यादा है संडे से, कितना ज्यादा है ना, हाउ मच मोर लेस देन टोटल अमाउंट बाय संडे, ऊपर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा क्या, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 4 गया 3, डिवाइड बाई 77 × 100, कितनी बार काटोगे 7 से काटोगे तो कितना हो जाए, पूछा गया है परसेंटेज पूछा था, सिंपली डिफरेंस ही पूछा था, ठीक है 3500 आ गया आंसर, 3500 टिक कर दो, डिफरेंस पूछा था दोनों का टिक कर दिया। इसमें भी आई होप 30 सेकंड नहीं लगे होंगे आप लोगों को, फटाफट आप देखो मल्टीप्लाई किसको किससे करना है, मेल को मेल से करना है, फीमेल को फीमेल से करना है, किया आंसर लिख दिया। मैं वैसे तो एकदम फास्ट भी नहीं जा रहा हूं, बट मैं एकदम स्लो भी नहीं जा रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आपको बोल बोल के समझा सकता हूं, अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ही नहीं तो समझाना क्या है, बस फटाफट मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, What is the average of males visiting national park on all these days? अब आप सोचे average आप जोड़ के 3 डिवाइड करोगे, ऐसा नहीं होगा, मेल आपके थे 40, 50 और 100 अगर आपको याद हो तो, ठीक है 40, 50 और 100 तो कितना हो गया सम 190 हो गया, 190 बाय 3 करोगे कितना हो जाएगा भाई,
60 पे होता है 180, 63.33 हो जाना चाहिए, 189 का 63 आता है, डिवाइड बाय 3.33 और हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन हो गया खत्म। सिर्फ मेल का डेटा देखा आपने, 63.33 लगाया आंसर, इतनी ही स्पीड से आपको वहां पे करना है। अब इस क्वेश्चन बताओ, गिन के बताओ कितने सेकंड लिए होंगे, 3 सेकंड 4 सेकंड, दैट्स इट। इस तरह से आप लोग बोलते हो ना सर 4 DI 9 मिनट में कैसे होंगे, एक बात याद रखना, एक चीज मैं और बता रहा हूँ, 4 DI, चलो मैं आपका स्ट्रेटेजी वीडियो एक बना दूंगा उसी को फॉलो कर लेना, मैं बार 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 यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताऊँ, काफी कंफ्यूज होगे। SBI PO का आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं 4 DI, वो मैं आपको बता दूंगा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। टोटल फीमेल्स विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन संडे एंड सैटरडे, संडे प्लस सैटरडे टोटल फीमेल, फीमेल को लिखो क्रॉस से ऐसे रखा करो, आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल मेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन फ्राइडे प्लस संडे मेल, ठीक है। मोर परसेंट और ये इसके कंपेयर करना है, मतलब डिवाइड बाई इसी का हो जाएगा मेल वाले का, फ्राइडे प्लस संडे मेल से डिवाइड करना और इंटू 100 कर देना। चलो सैटरडे और संडे ही फीमेल देखो, सैटरडे को है 70, संडे को है 80, 150 टोटल, माइनस फ्राइडे को मेल है आपके कितने 40 और संडे को मेल कितने हैं आपके 100, हो गया कितना 100 और 40 140 डिवाइड बाई 140 इंटू में जाएगा 100, कितना हो जाएगा 1/14 इंटू 100, 100/14 कितना हो जाता है 7/7, ई आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब आप टाइम नोट कर लेना कि मैंने बताने के अलावा कितने कितने टाइम में क्वेश्चन किए हैं, यही टाइम आपको लगना चाहिए भैया, सिंपल और सिंपल, सिर्फ और सिर्फ आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम मेंस लेवल इतना सब करते थे, सोचते थे सर यहाँ पे थीम क्या बनेगी, सर यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पर कोई लॉजिक का खेल नहीं है, प्री में कोई लॉजिक नहीं है, एंड दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट प्री, SBI PO प्री। मगर बात यह है कि आपस में भले कोई कितना भी टफ हो, कितना भी कुछ हो, मगर SBI PO प्री की कट ऑफ अगर लास्ट ईयर 81 प्लस चली गई है तो इसका मतलब पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा आसान आया है। तो आसान लेवल का पेपर करने के लिए यही ध्यान रखना कि इसी तरह से क्वेश्चन फटाफट आपको करने होंगे, क्योंकि इफ़ यू आर स्कोरिंग 81 प्लस मार्क्स इन 1 आवर तो आप देख लो 1 मिनट में कितने सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ रहे हैं, जिसमें इंग्लिश भी है जो सिर्फ रीड एंड टिक होता है, मैथ और रीजनिंग तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। मैथ्स का पेपर आराम से बता रहा हूँ मैं, मैंने SBI PO अटेम्प्ट किया था, 18 मिनट में पूरा पेपर आराम से हो गया था, तसल्ली से पूरा पेपर हो गया था। मेरा स्कोर 34 था, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन मतलब पता नहीं डाउटफुल लग रहा था या कुछ ऐसा मेरे साथ हो गया था, मतलब वो पता नहीं मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मतलब ऐसा हो गया 34 हो गए थे मेरे, 34 मार्क्स थे मेरे, 18 मिनट में पेपर गया, 2 मिनट आराम से शांति से चिल गया था, क्योंकि उस दिन बहुत गर्मी थी, नोएडा मेरा सेंटर था, बहुत एक्सेसिव गर्मी पड़ रही थी, शायद 8 जून को डेट थी, शायद 8 जून पेपर था मेरा, शायद 8 जून को ही था, अगर पता नहीं ध्यान नहीं, हाँ जून में था, शायद 8 जून को ही था प्रोबेबली, ठीक है। तो इस तरह से आपको फटाफट करना होता है। तो चलिए अगले DI पे चलते हैं, देखते हैं, हो सकता है 8 जून को और पेपर हो, मगर 8 जून को एक मेरा पेपर था तो आई एम नॉट श्योर किस चीज का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस तरह से ये वाला DI बन गया है, पाई चार्ट और टेबल का अच्छा संयोजन था इसमें, कॉम्बिनेशन था। नेक्स्ट DI पे चलते हैं, केसलेट DI है, देखो वापस से केसलेट कैसे करनी होती है। केसलेट में हमेशा याद रखना इसी टाइप की केसलेट आती है SBI PO प्री में, सारा डेटा बना के बैठ जाना, उसके बाद मजे से टिक मारते रहना, ठीक है। 3 पिज्जा शॉप दिख रही है मेरे को, अब पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता, 3 पिज्जा शॉप दिख रही है ABC, ठीक है ABC 3 पिज्जा शॉप है, ABC में बना के बैठ जाता हूँ, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, 2 तरह की पिज्जा सेल करती है, वेज और नॉन वेज, तुरंत लिख लो यहीं पे, ऐसा ही DI बनने वाला है, वेज और नॉन वेज, इतना आपको पता लग जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, दिखना चाहिए ये चीज, ठीक है। रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पिज्जा सोल्ड बाई पिज्जा शॉप ए वॉज 9:7, तो 9x मानो, इसको मानो 7x, कहानी खत्म करो, इसको मान लो टोटल, ठीक। दैट सोल्ड बाई पिज्जा शॉप बी वॉज 3 और 4, तो बी का 3y मानो, इसको 4y मानो, x मत मान लेना, हमेशा समझाया है, पर्टिकुलर रेशियो अगर ए का रेशियो है तो एक्स चल रहा है, बी का चल रहा है, वाई चल रहा है, उनका सेम मत कर देना कि सर इसका भी 3x और 4x मान लूं, क्यों भाई, ए और बी का रेशियो फैक्टर सेम थोड़ी होगा। नंबर ऑफ पिज्जास वेज प्लस नॉन वेज सोल्ड बाय पिज्जा शॉप सी वाज 108, सी का टोटल दिया हुआ है 108, खत्म कहानी। एंड रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वेज एंड नॉन वेज सोल्ड बाय पिज्जा शॉप सी वाज 7:5, 7:5 रेशियो दिया हुआ है, उसको 7z 5z मत बना लेना, 108 है, 7:5 मतलब 12 से डिवाइड मारो 9, तो 7 9 63 एंड दिस इज 45, 63 और 45 लिख के बैठ जाओ, आगे बात समझ में। टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय ऑल 3 पिज्जा शॉप वाज 376, एक सेकंड रुको, इसको क्या समस्या है पता नहीं,
टोटल नंबर कितना बताया मेरे को, टोटल 376 है, हटा जावन की घटा लिख दिया। नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाई पिज्जा शॉप ए, अब देखो भाई आपको पता लग गया सर एक्स और वाई का रिलेशन मिल जाए, काम बना दूंगा सर, है ना। नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाई पिज्जा शॉप ए, वेज पिज्जा ए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, 20% मोर देन वेज पिज्जा सोल्ड बाई शॉप बी, तो 9x जो है वो कितना हो जाएगा, 3y का 20% एक्स्ट्रा, मतलब 6/5, 6 3 18, 9 से कटेगा 2 बार, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y/5, ठीक है। दैट इज y कितना आ गया, 5x/2, y की जगह 5x/2 डाल दो, सब कुछ x के टर्म्स में आ जाएगा। अगर y की जगह यहाँ पे मैं 5x/2 डालूंगा कितना हो जाएगा, 15x/2 हो जाएगा, हटाओ सीधे सीधे वैल्यू रिप्लेस करते जाओ, ये हो जाएगा 15x/2। केसलेट में एकदम से आंसर नहीं आएगा, 1-1.5 मिनट आपको थीम बनाने में लग जाएगा, ठीक है, उसके बाद फटाफट चलेंगे। केसलेट में हमेशा ध्यान रखना टाइम ज्यादा लगता है, केसलेट आएगा तो 9 मिनट में 4 का टारगेट मत बनाना ना, 10.5 मिनट लग जाएंगे। अगर केसलेट आया तो इसका मतलब आपका पेपर का लेवल अपने आप टफ हो गया, ठीक है, आपका पेपर रिलेटिवली हो जाएगा। केसलेट आते ही समझ जाओ 1-1.5 मिनट का ग्रेस मिल गया, हमेशा याद रखना, क्योंकि केसलेट बनाने में कैसी भी हो 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, वो 1-1.5 मिनट का एक्स्ट्रा ग्रेस होता है। इस वजह से केसलेट जिस सेट में आएगा, सारे सेट सेम नहीं होते, 4 या 5 आपको अलग अलग वो चीज़ें मिल जाती हैं, है ना, 4 या 5 शिफ्ट होती है, 8 शिफ्ट होती है, जिस भी शिफ्ट में केसलेट आती है 1-2 नंबर का रिलेटिव आपको फायदा होगा। तो केसलेट आते घबराने की जरूरत नहीं, आराम से मस्ती से बनाओ उसको, ठीक है, ऐसा नहीं है सर लास्ट में बनाऊंगा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से वाई को 5x/2 डालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, ठीक है। खैर मैं आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बता दूंगा, डोंट वरी। अब क्या बोला, देखो सिंपल हो गया, ये हो गया सर 16x, ये कितना हो जाएगा 35x/2 सम, इसका मतलब पता लग गया इन दोनों का सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 376-108, क्योंकि वो तीनों मिला के 376 होते हैं, तो कितना हो जाएगा 67x/2 बराबर कितना हो गया, 67x/2 बराबर आपका हो गया 376-108, दैट इज कितना हो गया 268 इज इक्वल टू 67x/2, 7 से 4 बार कटेगा ये तो 28 और 240, ठीक है, 4 बार कट गया ये, x बराबर आ गया 8, x को 8 मारो, सबको सब्सटीट्यूट कर दो और वैल्यू निकाल लो, x को 8 लिखते जाओ, ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 56, तो ये हो गया 72, ये हो गया 56 और वहाँ पे कितना हो जाएगा 16 8 128, लिख दो 128, ये 128 हो गया, यहाँ पे 8 लिखोगे हो जाएगा 60, यहाँ पे 8 लिखोगे हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 60, ये हो गया 80 और वो हो जाएगा आपका कितना 140, हटा सावन की घटा, सारा डेटा आ गया, मजे करो अब, खेलो अब क्वेश्चन के साथ में, प्लीज नोट कर लो सारा डेटा। सिंपली जो दो चीजें दी हुई थी उससे एक्स और वाई का रेशियो लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद सिंपली एक्स और वाई का रिलेशन लाने के लिए लिखा गया कि भाई बी वाली शॉप के जो वेज पिज्जा है उसमें 20% एक्स्ट्रा जोड़ दोगे तो ए वाली शॉप के बनेंगे। मैंने कहा ठीक है, उस तरह से मैंने वाई और एक्स का रिलेशन निकाला, फिर इधर से आपको सम निकालने, ऐसी ही केसलेट आती है, ऐसी ही केसलेट आती है, नाम नंबर बदल जाते हैं, बाकी केसलेट वही रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वही परसेंटेज, थोड़ा सा चिंदी बना का खेल है। उसके बाद प्री की डीआई मजे से निकलती है, नशा हो जाता है प्री की डीआई भाई, 4 डीआई 9 9.5 मिनट में बना लोगे ना, जब 20 क्वेश्चन बना के बैठ जाओगे उसके बाद मिलेंगे आपको लल्लू बंजू, वो क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी, ठीक है, वो नंबर सीरीज का बचपना, ठीक है, मुश्किल से 10 12 वो अर्थमेटिक मिलेंगे 7-8 मिनट में, उनमें से अगर 7-8 भी बन गए 29 30 नंबर ले लिए, हो गया काम, ठीक है, और अच्छे ला सकते हो, 35 लाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए ये आपको डेटा मिल गया, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। कॉस्ट ऑफ ईच वेज पिज्जा ईच नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाई शॉप बी 200 और 300, तो बी का बताओ कितना पैसा कमाया होगा। देखो अब इसको क्या सॉल्व करोगे, 200 वेज पिज्जा का 200 × 60 12,000, 300 नॉन वेज पिज्जा का 80 से गुणा करोगे 24,000, 24 और 32 जोड़ोगे 36,000, चलो भाई आगे, इतना बड़ा क्वेश्चन लगेगा। देखो 1 मिनट लगा केस लिट बनाने में, मगर क्वेश्चन 4 सेकंड 5 सेकंड, आनंद, ठीक है, आगे चलें भाई। सिंपली वेज पिज्जा के नंबर को उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉन वेज पिज्जा के नंबर को उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल अमाउंट 12, ये देखो 6 × 12 एंड 8 3 = 24, 24 और 12 36 आ गया, काम खत्म, खेल खत्म, चलो आगे, डेटा नोट कर लेना भैया, ठीक है, डेटा नोट नहीं किया तो थोड़ा सा और 5-7 सेकंड ले लो, मगर ये वाला पूरा टेबल नोट कर लो। अब एग्जाम में ना ये हाशिए मत खींचने लग जाना, पता लगा सर ये सुलेख के नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलने वाले, ठीक है, इसके नंबर नहीं मिलते हैं, अगर किसी को नहीं मालूम है तो, किसी भाई बहन को, ठीक, ये सब मत करने लग जाना, चित्रकारियाँ वहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलेगा चित्रकारी करने का। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी टुगेदर,
ए के वेज पिज्जा कितने थे मेरे भाई, देख के बता अपनी टेबल में, 72 थे शायद, है ना, 72 ए के वेज पिज्जा हो गए। सी के वेज पिज्जा कितने आ गए मेरे भाई, 63 डिवाइडेड बाई नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाई बी एंड सी, बी के नॉन वेज 80, सी के नॉन वेज 45, 80 और 45 ऊपर कितना आ जाएगा 135, नीचे आ जाएगा 125, 5 से काटना दोनों को 27 और 25 आ जाएंगे, मेरे को तो पता लग रहा है 27 और 25, ले भाई ए आंसर। 5 सेकंड 6 सेकंड का गेम है, इससे ज्यादा का गेम है ही नहीं कुछ, इतना ही बड़ा गेम लगना चाहिए, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फटाफट आपको करने हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं उसकी कहानी क्या है। 5 क्वेश्चन का सेट है, 1 मिनट में पूरा सेट बनेगा, 1 मिनट भी ज्यादा बता रहा हूँ, 5-5, 6-6 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, बस केस लेट से डरना मत, 1 मिनट लगा लेना बनाने में, ये मत सोचना सर 1 मिनट तो इसको बनाने में लग गया, अब सर क्वेश्चन करूंगा या करूंगी तो सर पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, ना 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 ये खेल मत करना, ठीक। और जितनी हो सके कैलकुलेशन क्या करो, दिमाग में करो, ये पूरा डेटा लिखो, 72 63 को 2 बार मत लिखो अलग अलग, ठीक है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया, सीधा ये आना चाहिए दिमाग में, दिखना चाहिए सर 72 भाई सामने तुम्हारे लिखा होगा ना डेटा 72 63, तो कॉपी में जहाँ तुम कर रहे होगे जो रफ शीट्स तुमको मिलेगी, सीधा सम ऐड करो उसका सर, ठीक है, 135 और 5 130 और 5 135, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ वेज पिज्जा, आए हुए क्वेश्चन है एसबीपी ओपरी के, वेज पिज्जा का एवरेज बता दो कितने कितने हैं, 72 60 63। अब 72 60 63 अगर कोई आदमी जोड़ के और फिर 3 से डिवाइड करना चाहता है तो भैया मैं बोलूंगा फिर तेरे से ना हो पाएगा, दिखना चाहिए 24, दिखना चाहिए 20, दिखना चाहिए 21, फिर दिखना चाहिए ये आपका 60, ये 4 और 1 5, 65, जय भारत। आई बात समझ में, ऐसे होना चाहिए काम, ये नहीं करने लग जाना सर ये पता नहीं क्या कर दिया मैंने, ये सब मत करने लग जाना, ठीक है, तीनों को जोड़ रहे हो बैठ के और ये सब खेल करोगे रह जाओगे। वेज पिज्जा नंबर देखो 72, वेज पिज्जा नंबर देखो 60, वेज पिज्जा का नंबर देखो सर 63, तीनों का बटे 3 ही तो करना है भैया, बटे 3 करना है, 21 बटे 3 करना है, 20 बटे 3 करना है, 24 हो गया काम खत्म, 20 21 24 को जोड़ा 65, पूरी दुनिया जानती है, टिक मार दिया 65, ठीक है जी। चलो भाई आगे आगे क्या बोलता है मेरे को ये देखते हैं, टोटल वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी, ए और सी के टोटल वेज पिज्जा कितने आए थे भैया, 72 पहले आया था फिर 63 दोनों को जोड़ा था ना हमने पहले, 135 आया हुआ है, ओके जी। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी एंड सी, बी और सी का नॉन वेज भी हमने निकाला हुआ है पहले, 80 और 45 कितना आया था, 125, ये इसका कितना परसेंटेज है, 135 डिवाइड बाय 125 इंटू 100, 5 से काटा था 27 आया था, 5 से काटा था 25 आया था, इसको 4 से काटोगे ये 108% आएगा, जय हिंद जय भारत, हो गया क्वेश्चन बी आंसर, देख लो कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, पूरी डिटेलिंग करते हुए इतना ही टाइम लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बखान किया है हमारे सामने। इफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी इज इंक्रीज्ड बाय 1/3, 1/3 दिखता है, 33 1/3% दिखना ही नहीं चाहिए ना। वेज पिज्जा सोल्ड बाय बी कितना था भाई, 60 था, 60 को इंक्रीज किया 1/3 से, कितना हो जाएगा 60 को 1/3 मतलब 80 हो गया। नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए, नॉन वेज पिज्जा कितने 56 बेच रहा था वो, उसको कितने से इंक्रीज किया 3/4 से, मतलब 7/4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा क्या भाई, 7/4 करोगे ना इसका 14 7 कितने हो जाएगा 98 हो जाएंगे, जय हिंद जय भारत। व्हाट इज द सम ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय बी नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय ए, जोड़ लो दोनों को 178 आएगा, टिक मार दो देख के 178 हटा भाई, क्वेश्चन में क्या था मुझे नहीं पता, सिंपल ऐड करना बता रहा है आपको, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एसबीपीओ प्री के लेवल में, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कितने, 5 क्वेश्चन पूरे हो गए इस डीआई के भी, ये आपकी 2 डीआई थी, अब देख लो 1 क्वेश्चन में कितना वक्त लगता है, क्या डिटेलिंग में टाइम लगता है, आपका जो स्ट्रेटजी वीडियो अगर आपको चाहिए एसबीपीओ प्री के 4 डीआई 9 मिनट 10 मिनट में कैसे करने हैं, कमेंट्स में लिख देना, यहाँ पे चैट में मत लिखना, कमेंट्स में लिख दोगे तो आपको 2-3 दिन के अंदर वीडियो वो भी बना के दे दूंगा, इस वीकेंड पे प्रोबेबली पूरा वीडियो दे दूंगा, एनालिसिस किस तरह से करना होगा आपको, किस डीआई को किस टाइप से हैंडल करना है ये पूरा वीडियो आपको बना के दे दूंगा अगर आप बोलोगे तो, मगर कमेंट्स दिखने चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 कमेंट 4 कमेंट तब फिर पता नहीं लगेगा। एसबीपीओ प्री के लिए पूछा था आप लोगों से लास्ट वीडियो में, आप लोगों ने बोला सर चाहिए, आपके सामने ला दिया है, तो ठीक है ये हमारे 2 डीआई थे आज के, अगला सेशन आपको परसों मिल जाएगा, ठीक है, और इस तरह से 25 सेशन लूंगा, अगर एसबीपीओ की डेट पहले आ गई तो कंटिन्यू सेशन लूंगा, फिर अल्टरनेट डे नहीं करूंगा, अभी अल्टरनेट डे है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, सीरीज की शुरुआत की है, शेयर कर देना लोगों के साथ में, लोगों को बता देना कि ऐसी एसबीपीओ प्री की सीरीज बना दी है, शुरू कर दी है। चलिए मिलते हैं परसों, तब तक के लिए थैंक यू, जय भारत,
अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए लोग हैं तो। मिलते हैं, चलिए।